अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे अंडा का भुजिया। ये देखिए, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में और बिल्कुल भी 2 मिनट में पाँच मिनट में बन जाती है। बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत आसान तरीके से ये बन जाती है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी तरह से। तो हम पहले एक पैन या कढ़ाई कुछ भी आप ले लीजिएगा और गैस पर रख दीजिएगा गर्म होने के लिए। जब गर्म हो जाए तो उसमें तेल डाल दीजिएगा। तेल गर्म हो जाए तो उसके बाद हमने ये देखिए 2 बड़े साइज के प्याज हमने लिए हैं, उसको हमने बारीक कट कर दी है। और अब हम इसको इसमें डाल देंगे तेल में। तेल गर्म हो चुकी है तो हम प्याज को फ्राई कर लेंगे ब्राउन होने तक। मतलब ज़्यादा हम इसको नहीं तलेंगे, सिर्फ हल्का ब्राउन हो जाए तो हम इसको, फिर हम इसमें टमाटर डाल देंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारा वीडियो में नए हैं तो उस तो सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल नोटिफिकेशन का बेल रहता है उसको आप ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं सबसे पहले आपके पास आएगा। तो ये देखिए, हमारी प्याज तो लाल हो चुकी है, मतलब ज़्यादा नहीं, फिर भी ये देखिए। और अब हम इसमें 2 बड़े साइज का टमाटर हमने जो काट के रखे थे अब हम उसमें डाल देंगे। आप इसमें चाहे तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने हरी मिर्च नहीं डाली इसलिए कि हरी मिर्च भी डालूंगी या फिर गुड़ा मिर्च, अभी तो ज़्यादा तीखी हो जाएगी इसीलिए। तो अब हम टमाटर को चला लेंगे, मतलब उसमें मिला लेंगे प्याज के साथ, और फिर उसमें हम गुड़े मसाले डालेंगे। तो थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी जीरा पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। आप जितना बना रहे हैं उतना ही हिसाब से डालिएगा। मैं 2 अंडे के ही बना रही हूँ इसलिए, तो मैं इसमें 2 चम्मच, मेरी चम्मच देखिए ये छोटी वाली हाफ टी स्पून है, मतलब मैं 2 चम्मच डाली हूँ तो ये जो छोटी वाली टी स्पून होती है उससे 1 टी स्पून हुई है पूरे भर के। हम सारे मसाले को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं हल्दी डालना भूल गई थी तो मैं बाद में हल्दी डाल रही हूँ। फिर थोड़ी सी हल्दी हम डाल देंगे। डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको ढक के रख देंगे ताकि ये जो हमारी टमाटर है वो अच्छे से गल जाए। बस 2 मिनट ढक के पका लीजिएगा फ्रेश टमाटर, तुरंत गल जाती है और ज़्यादा टाइम नहीं लगती है गलने में। तो आप एक बार मेरी तरह से अंडा का भुजिया ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कमेंट में कि आपको ये भुजिया अंडा की कैसी लगी। ये देखिए, हमारे जो टमाटर है वो थोड़ी गल चुकी है तो हम इसको अच्छे से पूरा मिक्स कर लेंगे चलाते हुए। और अब मैंने इसमें 2 अंडे मैं डाल रही हूँ, ये देखिए अब डाल दिए। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अंडे को मिक्स करते हुए हम मीडियम फ्लेम पर सिर्फ 1 मिनट तक पकाएंगे और 1 मिनट में हमारी ये अंडा की भुजिया तैयार हो जाती है। तो ये देखिए, हमारी तैयार हो चुकी है अंडे की भुजिया। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका से, जब भी आपको भूख लगी हो जोरों की और कुछ ना हो आपके पास और रोटी हो सिर्फ, तो आप इसको बनाकर जरूर खा लीजिएगा। ये बहुत जल्दी बन जाती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।